नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट चौक चौधरी। आज हम बात करेंगे गड़े मुर्दे उखाड़ना। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, तबलीगी जमात, ये अब 2 महीने पुरानी बात थी। 3-4 महीने हो गए दिल्ली में दंगे हुए, लेकिन लोगों को अभी मज़ा आ रहा है फेसबुक पे ये व्हाट्सअप करना, फेसबुक करना। दिल्ली की यूएई की न्यूज़ बता रहा हूँ, 18 मई की न्यूज़ है। एक बंदा था बिहार का, नाम तो लेना मैं उचित नहीं समझता, खनन कंपनी थी, शहर का नाम है साथियों दुबई यूएई में। आप अगर रहते होंगे तो जानते होंगे रास अल खेमिया शहर, खनन कंपनी स्टीवन रॉक में वो काम करता था। अगर आप लोग जानते होंगे तो वहाँ एक बिहार का बंदा था, काम कर रहा था। कहते हैं ना कि उड़ते तीर लेना, तो बंदे ने उड़ता तीर ले लिया। अपने फेसबुक पेज पर तबलीगी जमात यानी उनको ठहराया जिम्मेदार कि कोरोना फैलाने में हिंदुस्तान में मुसलमानों का हाथ है, और साथ में दिल्ली दंगों के बारे में अपनी तरफ से बड़ाई करी गई कि जो हुआ अच्छा हुआ, इसको देवी शक्ति बताई यानी भगवान की मर्जी बताई। तो इस वजह से इनकी किसी ने शिकायत कर दी वहाँ पे उस कंपनी में, और कंपनी ने साथियों इसको बिना किसी देरी के या फिर उसको बोले या नोटिस दिए उसको जॉब से निकाल दिया। जी हाँ साथियों, निकलना ही था भाई, सीधी सी बात है। अगर ये गंदी बातें आप अपने फेसबुक पेज से कर रहे हो, जबकि यूएई में बैठा बंदे ने, वो जस्टिस बन गया इंडिया का, उसने फैसला सुना दिया कोरोना इंडिया में मुसलमानों ने फैलाया, जो हुआ दिल्ली में दंगे, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 70-80 लोग मरे उसको इसने अच्छा करार दिया, तो भाई जॉब तो जानी थी। मैं तो ये चाहूँगा इसको जेल भी होनी चाहिए थी साथ में, क्योंकि वहीं बैठे बैठे अपनी मर्जी से ये लोग, आप लोग जो कर रहे हो तो भाई ये अच्छी बात थोड़ी है। उसको एहसास हो गया होगा कि अपन ने गलती किया, क्योंकि ये तो तय बात है पैसे वाला होता तो दुबई में जाके जॉब नहीं करता, था तो नॉर्मल आदमी, जॉब कर रहा था, अपना पेट परिवार पाल रहा था। लेकिन नहीं, राइटर बनने का शौक था, राइटर बन के हेकड़ी निकल गई, जॉब निकल गया कंपनी के हाथों से। अब आगे की न्यूज़ मुझे नहीं पता, ये गलत न्यूज़ है। आपकी दुबई में जो अखबार आता है गलत न्यूज़, उसकी न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है ये। अब उसको जॉब से निकाला या आगे पुलिस ने पकड़ा या उसको सज़ा तो क्या होगी? इंडिया में अगर वो कुछ करता तो सज़ा, दुबई में अगर कुछ करता तो हो सकता है सज़ा होती, अभी जॉब से उसको हाथ धोने पड़ गए। कंपनी प्रबंधक जो मिलान है उनका कहना है कि हमने कंपनियों को साफ साफ बोल दिया, कंपनी जो यूएई की जो गवर्नमेंट है उसके दिशा निर्देश के अनुसार चलती है, साफ साफ बोला गया धर्म जाति पाति ऊंच नीच इनके खिलाफ बोलता है उसके साथ कड़ी कार्रवाई की जाती है। हमारी यहाँ कंपनी में जितनी भी धर्म, सब धर्मों को समानता दी गई है, कोई भी धर्म छोटा बड़ा नहीं है, सब धर्मों को समानता और सौहार्दता के साथ हम लोग काम करते हैं, नस्लवाद और धर्मवाद का भेदभाव का विरोध करती है। ये कंपनी के रूल और रेगुलेशन यूएई गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग पहले ही बनाए जा चुके हैं। यूएई गवर्नमेंट तो भाई आपको पता है दुनिया में मैं तो बहुत अच्छी मानता हूँ, सभी धर्मों का सम्मान करते हुए वहाँ पर सब लोग काम कर रहे हैं, और उनमें से कुछ लोग जो तुच्छ श्रेणी के लोग होते हैं वो अपने मन की भड़ास निकालने के चक्कर में खुद भी बदनाम होते हैं, दूसरों को भी कर देते हैं, और जॉब से भी हाथ धोना पड़ता है, जेल भी जाना पड़ सकता है। कंपनी के मैनेजमेंट ने बता दिया भाई सभी कंपनियों को, कर्मचारियों को नोटिस दिया जा चुका है ईमेल और व्हाट्सएप के द्वारा कि अगर आपने किसी धर्म के, जाति के या नस्ल के खिलाफ कुछ अभद्र या गलत टिप्पणी करी तो सबकी जॉब जाएगी, जेल होगी, जुर्माना लक्ष्य होगा। साफ साफ सभी लोगों को कंपनी की तरफ से बोला गया है। पिछली बार साथियों 20 अप्रैल को भी ऐसी कुछ एक दो घटना हुई थी, आपको पता है 7 लोगों को एक साथ जॉब से निकाला गया था, फिर 3 लोगों को एक साथ दुबई से जॉब से ये धार्मिक टिप्पणी की वजह से जॉब से निकाला गया था। अभी 1-2 बंदों को और से निकाला, एक जो होटल रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा था रसोईया, अभी उसको निकाला है। जस्ट एक शारजा में बड़ा कारोबारी था, उसने अपनी फेसबुक में कविता लिख दी किसी अपने धर्म के खिलाफ में, तो फिर उसने सार्वजनिक तौर से सबसे माफ़ी मांगी तो उनका काम निकल गया। 20 अप्रैल को जो अपने इंडिया के वहाँ पे यूएई में राजदूत हैं पवन कुमार जी, उन्होंने पहले ही सब लोगों को, इंडियन लोगों को आगाह किया था, पहले अपने ट्विटर के माध्यम से, अपने माध्यम से समझाया था कि भाई आप इस्लाम के खिलाफ या कोई भी गलत टिप्पणी ना करें, जिस देश में रहते हैं उनके खिलाफ कोई गलत बातें न बोलें, अगर फिर भी गलत बातें बोलोगे तो भाई सरकार पुलिस एक्शन लेगी, उसका जुर्माना और उसकी सज़ा के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। तो साथियों मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई इन चीज़ों से बचें, कोई किसी के बहकावे में आकर या किसी के अपने वीडियो देख के या किसी के फेसबुक को कॉपी पेस्ट करके दूसरों के साथ शेयर करना ये अच्छी बात नहीं है। तो भी अपना फर्ज नहीं बनता कि इस चीज़ को तुल पकड़ाया जाए, इस चीज़ को बदनाम किया जाए, ये चीज़ों को रोकनी अपनी जिम्मेदारी होती है, नहीं कि बढ़ावा देना। तो बस आज की वीडियो में ये जानकारी थी साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट रोज़ मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।